दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 6 जुलाई 2023 भिवानी सब्जी मंडी में सब्जी और कुछ फला के भाव बतावांगे आपने भाई। तो साथियों भाई, सब तो पहले भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, उमस सब तो ज़्यादा है। और भाई बताइयो कौन कौन सी जगह बारिश हुई है। कल की वीडियो नहीं बना पाए थे भाई, कल जो आप नरमा बोरिया की है उसकी अड़ाई करनी थी भाई, ज़्यादा घास जाम आया था भाई उसके अंदर, तो वो ज़रूरी थी भाई, तो उस कारण आप वीडियो नहीं बना पाए। तो भाई आज भाई कुछ सब्जियां के और कुछ फला के भाव बतावांगे। उससे पहले भाई अपने साथियों जो अपने चैनल पर नए आए हैं वो अपने चैनल ने भाई सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना और भाई लाइक करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे किसान साथियों ने भाई भाव मिल जाए। तो साथियों ये हैं थोक के भाव, और भाव भाई बदल दे रहे हैं भाई, तेजी भी आ जा मंदी भी आ जा, कोई फिक्स नहीं होते भाई मंडी के भाव। मंडी भाई चाहे कोई सी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे चारा मंडी हो और चाहे अनाज मंडी हो भाई। तो भाई सब तो पहले सब्जियां तो शुरुआत करांगे, और सब्जियां भाई ये भाई आलू तो कर दें। हाँ आलू 12.5 रुपये किलो का आसपास के बाज़ार चल रहे हैं भाई आलू में। तो साथियों घिया तो भाई घिया तो बात करा तो घिया 13 रुपया तो लेगी, 23 रुपये किलो बेचने ला रही भाई घिया में तेजी चल रही है। और बैंगन की बात करा तो भाई बैंगन 28 तले की 30 रुपये किलो बेचने लाग रही है भाई बैंगन। तोरी की बात करा तो जिसमें जाल वाली तोरी 40 रुपये किलो, और भाई जो अपनी ज़मीन में भाई जो तोरी बोईजा है वो 28 तले की 30 रुपये किलो बेचने लाग रही है भाई। उसमें तेजी है, जो जाल वाली तरी वो उनकी साफ़ सफाई और वो ज़्यादा लंबी भी आवे हैं भाई और पतली भी आवे हैं, लाग भी भाई कम हुआ है उनमें, तो बढ़िया हुए हैं भाई जाल वाली तोरी, इसलिए उनका रेट इन तो 10-12-15 रुपये महंगा हुआ है। बात कराएं खीरे की तो खीरा भाई अपना जो लोकल है वो 24-25 रुपये किलो, और जो पोली हाउस वाला है वो 35-36 रुपये किलो बेचने लाग रहा है भाई। नींबू की बात करा तो नींबू भाई 30 तले की 40 रुपये किलो के बाज़ार चल रहे हैं भाई नींबू के। बात कराएं टिंडे की भाई, टिंडा 30 तले की 35 रुपये किलो बेचने लाग रहा है। करेला ही बात करा तो भाई करेला 28 तले की 30 रुपये किलो, और पेठे की बात करा पेठा भाई 11 रुपया तले की 12 रुपये अरे पेठा बेचने लाग रहा भाई। भाई टमाटर फिलहाल तेजी पर चल रहा है भाई टमाटर, तो टमाटर भाई नो लगा लो भाई जैसा माल उसे पीछे भाई 1500 तले की और 2200 रुपये कैरेट चल रही है भाई टमाटर की, तो लगभग 24 किलो टमाटर आ जाए भाई एक कैरेट में। तो ये सारा हिमाचल का हो भाई टमाटर। तो साथियों भाई टमाटर में फिलहाल तेजी देखने नहीं मिल रही है भाई, और करेला की बात करा करेला 28 रुपया तो आ जाए भाई, 28 तले की 30 रुपये किलो बेचने लाग रहा है भाई। और पेठे की बात करा पेठा 11 रुपया तो 12 रुपये किलो। फूट काकड़ी की बात करा तो भाई फूट काकड़ी 4 रुपया तले की 5 रुपये किलो बेचने लाग रही फूट काकड़ी भाई। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़बरदस्त बारिश को नहीं हुई है और उमस है भाई, या इस टाइम उमस हो गया है। और प्याज की बात करा तो प्याज में भी भाई तेज़ी देखने मिल रही है, प्याज 21-20 तले की भाई 21-22 रुपये किलो प्याज बेचने लाग रहा है, जो नासिक का है, और जो भाई राजस्थान वाला प्याज है वो 16-17 रुपये किलो बेचने लाग रहा है भाई। और तो जिसे माल उसे पीछे भाई जाल का माल होगा तो भाई कम पीछे लाग जाएंगे। आलू की बात करा आलू भाई बता दिया था 12-12.5 रुपये किलो के भाव। परमल की बात करा 30-32 रुपये किलो, हरी मिर्च 13-14 रुपये किलो, अरबी 30-32 रुपये किलो, हरा धनिया भाई 100 तो ऊपर ऊपर बेचने लाग रहा है भाई, हरा धनिया 100 रुपये किलो तो ऊपर ऊपर बेच है भाई 100-125 रुपये किलो। शिमला मिर्च की बात करा शिमला मिर्च भी 30 तले की 32 रुपये किलो बेचने लाग रही है भाई शिमला मिर्च। पालक की बात करा पालक 25 रुपया तले की 30 रुपये किलो के भाव चल रहे हैं। टमाटर के बता दिए थे भाई, टमाटर में भाई
नीचे में भाई 1500 है, ऊपर में 2200 है। और जो पतली बालासूर, बालासूर का नाम ताव भाई, जो मेरे पतली ततैया मेरे से बोल रहे हैं, जो बिहार ताव हैं, उनका भाव है भाई 50 तले की 52 रुपये किलो का चल रहा है भाई। पत्ता गोभी की बात करा, पत्ता गोभी 7 रुपया तले की 8 रुपये किलो बेकन लाग रही है भाई। फूल गोभी की बात करा, फूल गोभी 40 तले की 45 रुपये किलो बेकन लाग रही है भाई। फूल गोभी अदरक 200 तले की 220 रुपये किलो के भाव चल रहे हैं अदरक के। गुआरफली की बात करा तो 25 तले की 30 रुपये किलो गुआरफली के भाव भाई। और मक्का की बात करा, जो स्वीट कॉर्न मक्का है भाई वो 15 रुपये किलो, और जो भाई जो देसी और मक्का है वो 9 तले की 10 रुपये किलो। तो साथियों भाई ये थे कुछ सब्जियां के भाव, ये कुछ फलों के भाव बतावांगे आपने। तो फलों में भाई आम तब शुरुआत करांगे, आम 25 तले की 35 रुपये किलो के भाव चल रहे हैं दुशहरी के भाई। मौसमी की बात करा तो मीडियम मौसमी 480 तले की 550 रुपये, और जो मोटी वाली है वो 700 तले की 770 रुपये के भाव हैं भाई। अनार की बात करा तो अनार भाई जो नासिक वाला वो 1050 तले की 1500 रुपये डब्बा, जिसमें 10 किलो आम हैं। और भाई जो गुजरात था वो 800 तले की 1000 रुपये किलो ना डब्बा भाई, जिसमें 10 किलो आम हैं। डाब की बात करा तो 900 और 950 के भाव चाह रहे हैं डाब के भाई। लीची की बात करा, लीची भाई 100 से 120 रुपये किलो के भाव चाह रहे हैं लीची के। जामन, जामन फिलहाल मंदी चल रही है भाई, क्यों सीजन जामन का, बारिश होगी थी जो पेड़ा पती एकदम काली होगी भाई जामन, तो जामन 30 तले की 45 रुपये किलो का बाजार चल रहा है जामन का। आड़ू की बात करा तो आड़ू भाई 35 तले की 50 रुपये किलो, और चेरी, चेरी भाई 80 तले की 120 रुपये किलो। देखो साथियों हर एक चीज़ का कोई फिक्स बा नहीं होता है, माल बढ़िया के न्यारे रेट हुए हैं, अड़क माल के न्यारे रेट हुए हैं, और रेट घटते बढ़ते रहे हैं। बेलगरी की बात करें, बेलगरी 22 तले की 28 रुपये किलो के भाव हैं भाई बेलगरी के। पपीता भाई 37 तले की 40 रुपये किलो के आसपास के भाव चल रहे हैं पपीता के। तो साथियों भाई ये थे भिवानी सब्जी मंडी के सब्जी और कुछ फलों के भाव। तो साथियों ये थी आज की मंडी के भाव की वीडियो। तो अपनी वीडियो कैसी लगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, अपने चैनल ने सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना, लाइक करना भाई, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना, शेयर सारे अपने यार दोस्तों पास शेयर कर दियो ताकि सब ने भाई भाव पता चल जाए। नमस्कार।